नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो दिसंबर 2024 के एचपीटेट एग्ज़ाम के, या फिर 2025 जून 2025 की अगर हम बात करें और उसकी प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो, तो आपके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या चेंजेस हैं। अगर सिलेबस की मैं बात करूँ तो चेंजेस आपके पास ना के बराबर रहते हैं। थ्योरी सेक्शन में आपके पास कई बार एक से दो थ्योरी आपके पास पूछ ली जाती हैं, फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपसे वो नहीं पूछी जाती हैं। अगले एग्ज़ाम में फिर आपके पास हो सकता है किसी एक्सट्रीम कोर्स थ्योरी से आपके क्वेश्चन बने। तो कॉमन आपके पास जो सब्जेक्ट रहते हैं, कॉमन सिलेबस आपके रहता है, वो मैं डिस्कस करूँगा। साथ में मैं आपको साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि उस थ्योरी से कैसे प्रश्न और क्या प्रश्न आपके बन सकते हैं। आपने क्या करना है, सिलेबस तो नोट डाउन करना ही है, साथ में क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो भी आपने समझना है कि कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये सभी के लिए, चाहे आपके पास एच पी टेट में आप TGT आर्ट्स हो, मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, या जे बी डी टेट आप देने वाले हो, सभी के लिए कॉमन आपके पास यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। थ्योरी सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं थ्योरी से, कितने थ्योरी, लगभग 8 से लेकर 10 थ्योरी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कई बार आपके क्या होता है, 2 से 3 थ्योरी आपके पास जो है वहीं से एक क्वेश्चन आपके पास निकल जाता है। 2 से 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज में आपको बता देता हूँ कौन कौन सी आपको कवर करके चलना है। वैसे तो मैंने साइकोलॉजी की वीडियो अलग से एक फोल्डर बनाया है प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जाकर भी आप कम से कम 60% जो सिलेबस है वो आपके कवर कर सकते हैं साइकोलॉजी सेक्शन का। बाकी मैं आपको बता देता हूँ क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से समझना। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इवान पावलोव ने दी थी 1904 में, उनको नोबेल प्राइज़ भी आपके मिल चुका है इस काम के लिए। डाइजेशन सिस्टम पर उन्होंने काम किया था, यहाँ से प्रश्न आपके बनता है। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में एक तो ये वाला प्रश्न आपके पास है, दूसरा आपके पास इसमें एब्रिविएशन आपसे पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म आपके पास UCR क्या होता है, UCS क्या होता है, आपके पास यहाँ से प्रश्न बनते हैं, या CS क्या होता है, CR क्या होता है, यहाँ से प्रश्न। इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो आपके डाली है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी की डिटेल कंप्लीट आपके पास वीडियो मैंने यूट्यूब पर ही आपके डाली है। आपने क्या करना, टॉपिक सर्च करना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, आगे क्वालिटी लर्न पॉइंट आपने लिख देना, आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। UCS की फुल फॉर्म क्या होती है, कब कब ये काम करती है, कब आपके पास बेल न्यूट्रल थी, कब आपके पास ये जो वर्किंग में रहती है, कब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में इसको यूज़ किया गया, वो सारी बातें हमने उसमें की है। इसके अलावा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में अगर एडवांस क्वेश्चन बना तो क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन बन सकता है आपके पास इसके पूछे जा सकते हैं जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो लर्निंग आपके पास है किस तरह से हो सकती है, उसके जो पॉइंट आपके पूछे जा सकते हैं कि इसके लिए कौन कौन से प्रोसेस आप लर्निंग को प्रोसेस जो रहते हैं वो कितने टाइप के रहते हैं। 5 तरह के लर्निंग प्रोसेस आपके यूज़ किए जाते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में। आप भी अगर किसी को क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंतर्गत किसी को स्टडी करवाना चाहते हैं, किसी को लर्निंग करवाना चाहते हैं, तो उनको आप फॉलो कर सकते हैं। कौन कौन से आपके रहेंगे वो हमने डिटेल में बात की है, वीडियो को आपने एक बार देख लेना। दूसरी थ्योरी की अगर मैं बात करूँ तो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग से सिंपल सा प्रश्न आपके रिइंफोर्समेंट से रिलेटेड आपके बन जाता है। BF कनर की थ्योरी आपके देखने को मिले, जिसमें आपके पास पूरी तरह से थोंडाइक का जो एक लॉ है, थोंडाइक ने 3 लॉ दिए थे लर्निंग के, जो है 3 लॉ आपके पास थोंडाइक ने दिए, उसमें से एक है लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट आपके पास जो है ये है आपके पास प्रभाव का नियम। इस लॉ ऑफ इफेक्ट पर पूरी तरह से जो डेडिकेटेड काम किया था BF स्किनर द्वारा। तो BF स्किनर की जो थ्योरी हम देखते हैं, जिसको हम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत उसको कहा जाता है, ये पूरी की पूरी डिपेंड थी प्रभाव के नियम पर। यानी कि अगर आप किसी भी एक फील्ड में आप जाते हो, अगर आपको वहाँ पर सफलता मिलती है तो आपका प्रभाव पॉजिटिव रहेगा, अगर आप असफल होते हो तो नेगेटिव प्रभाव आप पर रहेगा। ऐसे प्रश्न तो पॉजिटिव आपके पास इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर या नेगेटिव पड़ेगा। ये रिइंफोर्समेंट भी यहीं से आपके रहता है, रिइंफोर्समेंट भी 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट और नेगेटिव। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट हम कब कहेंगे ये भी डिपेंड करता है, नेगेटिव उसको हम कब कहेंगे। कई बार नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का यूज़ आपके बैड हैबिट्स रहती हैं किसी भी चाइल्ड के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए भी आपके किया जाता है। तो उस हिसाब से आपको ये समझना होगा, ये पूरी की पूरी थ्योरी RS पर आपके पास बेस थी, यानी कि रिस्पोंडेड रहने पर काम किया गया। उसके बाद रिजल्ट आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसी RS की अगर मैं बात करूँ, RS थ्योरी जो है आपके पास है ये किसके संबंधित है, ये ऑपरेंट कंडीशनिंग में BF स्किनर से संबंधित है। जबकि RS जो आपके पास देखने को मिलती है, जो SR आपको जो देखने को मिलता है, वो थोंडाइक से संबंधित है। ये क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी SR पर बेस है। पर इसी तरह हम देखेंगे थोंडाइक की जो एक और थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के नाम से उसको जाना जाता है, ये भी किस पर बेस है, ये भी आपके पास पूरी तरह से बेस देखने को मिलती है, ये भी SR पर ही बेस देखने को मिलती है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो SR पर बेस थी, यहीं पे आपके पास जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो किसने दी थी, थोंडाइक द्वारा दी गई थी, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत इसको कहा जाता है।
थोंडाइक ने इसमें प्रयास किया कि किस तरह से बार बार चीज़ों को पुनरावृत्ति करके बार बार उनको दोहराकर हम गलतियों को कम कर सकते हैं, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि गलतियाँ आपके पास बिल्कुल रिमूव आपकी हो जाएगी। तो यहाँ पर SR थ्योरी के जो जनक है या SR बॉन्ड बनाने का जो काम है, इसको सिद्ध करने का जो प्रयास है, किसने किया है? थोंडाइक ने किया है। ये सारी थ्योरी जो है मैंने आपके सॉल्व की है, आपके इसको देख लेना। यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? ऐसे ही बनेंगे। थोंडाइक के लॉ पूछे जा सकते हैं। कितने लॉ हैं? तीन तरह के लॉ हैं। प्राइमरी लॉज की बात करें तो तीन तरह के हैं, सेकेंडरी लॉज की बात करें तो 8 तरह के सेकेंडरी लॉज आपके देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? ऐसे ही पूछा जाता है। किस पर एक्सपेरिमेंट किया था? केट पर किया था। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टिमुलस के रूप में यूज़ किसको किया गया था, तो आपके पास फिश को यूज़ किया गया था। आपके पास किसके अंदर? ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर। इसके अलावा उसने जो लॉज दिए थे, उस लॉ का जो एक है, उस लॉज पर आपके पास पूरी थ्योरी लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? आपके पास BF स्किनर लेकर आते हैं। इसमें प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्राइमरी लॉज में कौन कौन से हैं और सेकेंडरी लॉज में आपके कौन कौन से हैं। ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना यहाँ से लगभग आपके रहती हैं, और हर बार ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं। हो सकता है कि रियल लाइफ बेस पर भी आपके क्वेश्चन यहाँ से निकल जाए। फोर्थ थ्योरी की अगर हम बात करें तो इनसाइड थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो इनसाइड थ्योरी को पढ़कर जाना। ये गेस्टाल्ट जो साइकोलॉजिस्ट थे उनसे संबंधित ये थ्योरी है, जबकि अभी तक जो हमने इवान पेवलो की बात की, BF स्किनर की बात की, ट्रायल एंड एरर की हमने बात की, ये सारे आपके पास कौन से थे? बिहेवियरिस्ट आपके पास थे। अलग अलग तरह से प्रश्न बनते हैं। कुछ व्यवहारवादी आपके पास होंगे, कुछ संरचनावादी होंगे, कुछ गेस्टाल्टवादी आपके पास होंगे, कुछ आदर्शवादी होंगे। तो इनसे प्रश्न इस तरह से भी बनने के चांस आपके रहते हैं। तो इनको भी एक बार आपने देख लेना कि कौन से आदर्शवादी हैं, कौन से व्यवहारवादी हैं, कौन से संरचनावादी हैं और कौन से आपके पास गेस्टाल्टवादी हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इनसाइड थ्योरी में, तो ये गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आपके पास ये माने जाते हैं। यहाँ पर गेस्टाल्ट में चार आपके पास मेन देखने को मिलते हैं। तीन की हम बात करेंगे, वर्दीमन, कोहलर, कोफा। ये तीनों गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से संबंधित आपके माने जाते हैं, और जिन्होंने आपके पास जो इनसाइड थ्योरी पर आपके काम किया था। वैसे तो कोहलर को इसका श्रेय आपके जाता है, लेकिन इसके सहयोगकर्ता में ये तीनों आपके देखने को मिलेंगे। यहाँ से प्रश्न क्या बनेगा? ये बनेगा कि इनसाइड थ्योरी किसने दी है, तो कोहलर का नाम भी आ सकता है और तीनों व्यक्तियों के साथ में भी आ सकता है, तो फिर ऑप्शन डी आएगा ये सभी। इसके अलावा प्रश्न यहाँ से ये निकल सकता है कि इसमें जो एक्सपेरिमेंट किस पर किया गया था? एक चिंपांजी पर किया गया था। वन मानुष पर एक एक्सपेरिमेंट इसमें देखने को मिलता है। उस वन मानुष का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो वो नाम भी आप उसको याद रखेंगे। इसके अलावा यहाँ से एक और प्रश्न आपके निकल कर आ सकता है। वो प्रश्न क्या है कि इनसाइड थ्योरी के बेस पर आपको पूछा जा सकता है कि यहाँ पर किसके ऊपर ध्यान दिया जाता है? संपूर्ण को इसमें जो ध्यान में रखा जाता है, एज ए वॉल इसको यहाँ के ध्यान में रखा जाता है। किसी एक समस्या पर यहाँ पर समाधान के ऊपर विचार नहीं किया जाता, बल्कि समस्या का व्यापक रूप यहाँ पर देखा जाता है। तो एज ए वॉल आपके पास गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हमें देखने को मिलता है। अगली थ्योरी की अगर हम बात करें तो अगली थ्योरी हम देखते हैं जीन प्याजे की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो थ्योरी है जीन प्याजे की, यहाँ से निस्संदेह आपके प्रश्न आते हैं। कैसे आते हैं? प्याजे ने जो है थ्योरी दी थी किससे संबंधित? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कॉग्निटिव डेवलपमेंट से प्याजे ने दी है? नहीं, प्याजे तो अपनी अलग तरह की स्टेजेस की बात करता है। प्याजे कहता है कि किसी बच्चे का जो आपके विकास होगा, सृजनात्मक जो विकास होगा, वो चार अवस्थाओं में होता है। यानी कि प्याजे कहते हैं कि चार अवस्थाएं ऐसी है जहां पर व्यक्ति का जो है संज्ञानात्मक विकास आपके होता है, उसके बाद विकास की जो दर है वो लगभग धीमी होती चली जाती है, ऐसा उसका मानना है। तो यहाँ पर प्याजे की फोर स्टेज से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि पहली स्टेज का नाम क्या है, सेकंड का क्या नाम है, थर्ड का क्या नाम है, फोर्थ का क्या नाम है। जैसे पहली का सेंसरी मोटर स्टेज है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसके बाद आपके पास सेकंड का क्या नाम है, थर्ड का क्या नाम है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पर आपके पास इनसे एज भी पूछी जा सकती है। पहले की आपके पास कितने से कितने वर्ष तक के बच्चे, या फिर आपके पास कितने से पहली स्टेज आपके पास कितने से कितने वर्ष की रहती है, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है, उसके अंदर कौन कौन से आपके पास जो है पॉइंट आपके कवर किए जाते हैं कि पहली स्टेज में बच्चा क्या क्या कार्य करेगा, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ से प्रश्न बनने के चांस रहते हैं। इसको डिटेल में आपको देखना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके पास प्याजे से प्रश्न बनेंगे। इसके द्वारा कुछ एक टर्म्स यूज़ की गई, जैसे एकोमोडेशन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, स्कीमाज आपके पास क्या होते हैं, ये टर्म्स भी इसी के द्वारा यूज़ की गई है। यहाँ पर प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन के अंदर ये सारी चीज़ें आपके देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपने थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेना। और इसके अलावा आपके पास पियाजे से प्रश्न बनेंगे। पियाजे की एक रियल सिचुएशन दी जाएगी कि कोई बच्चा आपके पास इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, अकॉर्डिंग टू पियाजे वो किस स्टेज के अंदर आपके आएगा, ऐसे प्रश्न पियाजे की थ्योरी से बन सकते हैं। वहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ब्रूनर आपके पास अपनी तरह की एक थ्योरी लेकर आते हैं।
ब्रूनर ने क्या कहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, या ब्रूनर ने कितने स्टेजेस की बात की है? तो ब्रूनर तीन तरह की अवस्थाओं में जो है इसको डिवाइड करते हैं, जिसमें आपके पास तीनों स्टेजों के अलग अलग क्रियाएं आपके बताई गई हैं। तीनों क्रियाओं के अंदर आपके पास बच्चे क्या क्या करेंगे, जैसे इनएक्टिव स्टेज आपकी किस तरह की होगी, आइकॉनिक किस तरह की होगी, ऐसे प्रेशर इनएक्टिव स्टेज आपके कितने से कितने तक की है, ब्रूनर क्या कहता है कि आपके पास जो डेवलपमेंट होगी कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो कैसे हो सकती है, इनएक्टिव स्टेज में क्या आपके पास टर्म्स रहेगी, इनएक्टिव स्टेज की क्या क्या विशेषताएं हैं, ऐसे प्रश्न, और इनएक्टिव स्टेज को किस और नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न जो है ब्रूनर की कॉग्निटिव डेवलपमेंट से आपके पूछे जा सकते हैं। फिर आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर आपके पास जो काम करते हैं वाइगोत्स्की भी करते हैं। वाइगोत्स्की ने वैसे तो आपके पास संस्कृति से संबंधित इनको माना जाता है, वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है कल्चर से रिलेटेड ये मानी जाती हैं, जिसमें इन्होंने कल्चर जो है सबसे ऊपर आपके रखा था। इसके अलावा इन्होंने हालांकि लैंग्वेज पर भी ध्यान दिया है। इसके अलावा इनके द्वारा अगर हम देखें तो सोशल कल्चर और लैंग्वेज तीन एस्पेक्ट आपके पास वाइगोत्स्की कहते हैं, लेकिन इन्होंने जो आधार बनाया है उस रचनात्मक विकास के लिए इन तीनों को आधार बनाया है। तो यहाँ से भी प्रश्न आपके बन सकते हैं कि इन तीनों की जो विशेषता है किस तरह से जो वाइगोत्स्की कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होगा उसके जो कारण है क्या क्या कारण है और उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव आपके पड़ते हैं संज्ञानात्मक विकास पर। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव इसने किसका माना है, कल्चर का माना है। तो कल्चर सोसाइटी और लैंग्वेज अगर हम देखें तो तीनों आपके पास वाइगोत्स्की से संबंधित है, यहाँ से भी आपके पास एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके कहाँ से प्रश्न बन सकता है, प्रश्न आपके बन सकता है अगर हम आगे की बात करें तो एक आपके एरिक्सन की थ्योरी आती है, एरिक्सन की थ्योरी आती है जिसको आपके पास लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से और सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के नाम से उसको जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है याद रखना। एरिक्सन की थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि एरिक्सन ने अलग अलग तरह के स्टेजेस दी हैं। एरिक्सन जो है अवस्थाओं में आपके पास पूरे जीवन को आपके बांटते हैं, जिसमें आपके पास जो है ये स्टार्ट हो जाता है इन्फेंसी से लेकर जब बच्चा छोटा होता है, जिसमें दो स्टेजेज आपके देखने को मिलती है, टोटल 8 स्टेजेज इनके द्वारा दी गई हैं। पहली स्टेज इन्फेंसी है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देता हूँ, बाकी डिटेल में तो आपको पढ़ना है, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे आप साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर सकते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए, कैसे प्रश्न बनते हैं। तो पहली जो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ये आपके पास किसकी देखने को मिलती है, ये देखने को मिलती है एरिक्सन की थ्योरी के अंदर। हम स्टेजेस को आपके डिवाइड करते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि पहली जो अवस्था है यानी कि पूरा जीवन काल जो व्यक्ति का है वो दो अवस्थाओं में रहता है, एक को अच्छी स्टेज मानी जाती है, दूसरे को जो है उससे थोड़ी कम बेहतर आपकी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि बुरी स्टेज रहेगी, कई बार वो स्टेजेज आपकी सिचुएशन पर भी डिपेंड करती है। जैसे पहले जो आपके पास इन्फेंसी में हम देखते हैं बच्चे का जब जन्म होता है तो बच्चे में दो आदतें देखने को मिलती है, एक बच्चे होते हैं जो सभी के पास चले जाते हैं, दूसरे बच्चे इस तरह के होते हैं जो किसी के पास नहीं जाते, अपनी सिर्फ माता के पास रहते हैं। तो जो बच्चे सभी के पास चले जाते हैं, सभी के साथ घुलना मिलना सीख लेते हैं इन्फेंसी स्टेज के अंदर, तो ये आपके पास ट्रस्ट वाली स्टेज आपके और ये अच्छी आपके मानी जाती है डेवलपमेंट के लिए। दूसरे बच्चे जो किसी के पास नहीं जाते वो मिसट्रस्ट में आपके पास फंस जाते हैं, और मिसट्रस्ट वाली स्टेज बच्चों के डेवलपमेंट के लिए उतनी अच्छी आपके नहीं मानी जाती है। तो इस तरह से पूरे जीवन भर आपके पास ये स्टेज आपकी चलती रहती है और मृत्यु तक आपके पास ये देखने को मिलती है। तो यहाँ पर एरिक्सन की ये 8 स्टेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें ऐसे पूछा जा सकता है जैसे कि एडोलेसेंस से रिलेटेड आपके पास जो स्टेज है उसमें किस तरह के दो आपके पास जो बताया गया है वर्सेस की अगर हम बात करें एडोलेसेंस में क्या क्या विशेषताएं आपके देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके पास आइडेंटिटी आप बनाएंगे, आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन, इस तरह के आपके पूछे जा सकते हैं। पहले भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा है तो वहाँ पर भी इस थ्योरी से प्रश्न आपके निस्संदेह आए हैं और आने के चांस भी आपके रहते हैं। ऐसे प्रश्न आपके पास यहाँ पर एग्जाम में पूछने को मिल सकते हैं एरिक्सन की थ्योरी से। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हॉवर्ड गार्नर की आपके पास मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपके देखने को मिलती है। हॉवर्ड गार्नर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है उसमें हॉवर्ड गार्नर क्या कहता है कि व्यक्तियों में अलग अलग तरह की जो बुद्धि आपके पाई जाती हैं, अलग अलग तरह की इंटेलिजेंस आपकी पाई जाती हैं, वो डिपेंड करता है व्यक्ति पर। हो सकता है कि व्यक्तियों में एक से ज़्यादा बहुबुद्धि हो, एक से ज़्यादा इंटेलिजेंस व्यक्ति के अंदर हो। जैसे कि आपके पास लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की हम अगर हम बात करें तो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस उसने एक एग्जांपल दिया है। वर्तमान में हम देखें तो आपके पास 8 टाइप आपके पास यहाँ पर उसने आपके बताए हैं, पहले 7 तरह की मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात आपके की गई थी, अब इसमें अमेंडमेंट किया गया है और ये आपके पास 8 मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात यहाँ पर की जाती है। तो लिंग्विस्टिक की मैं बात कर रहा था, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति कैसे होंगे जिनको भाषा से संबंधित ज्ञान होगा, यानी कि 2 से आपकी 4 भाषाएं अगर आप जानते हो, अगर हिंदी इंग्लिश को छोड़कर बाकी दूसरी अगर 2-3 लैंग्वेज आप जानते हो, फ्रेंच आप जानते हो, चाइनीज आप जानते हो, या फिर आपके पास कोई और ऐसी भाषा है जो कि आपके पास भारत में नहीं बोली जाती है, ऐसी भाषा का अगर आपको ज्ञान है
और अगर आप उसको सीख पाते हो, जर्मन आप सीख पाते हो, तो ऐसे में आपका जो है प्रोफेशन कैसा बन सकता है, आपका बन सकता है ट्रांसलेटर का, बन सकता है किसी देश के राजदूत के रूप में आपको नियुक्त किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आपकी डिपेंड करेंगी आपकी इंटेलिजेंस पर, यानी कि आपका जो जिस तरह का व्यवसाय होगा या जिस तरह की फील्ड होगी वो डिपेंड करेगी कि आप में किस तरह की इंटेलिजेंस है। किसी में म्यूजिकल इंटेलिजेंस होगी तो वो आपके पास संगीत के क्षेत्र में जाएगा, चाहे वो सिंगिंग करे या फिर आपके पास जो है इंस्ट्रूमेंट का आपके पास प्ले करे, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ये वेरिएशन आपके पास आते रहेंगे इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग। तो हॉवर्ड गार्नर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात की है और हर तरह की इंटेलिजेंस अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के व्यक्ति किस तरह का व्यवहार करते हैं, इंटरपर्सनल किस तरह का व्यवहार करते हैं, निजुलिस्टिक किस तरह का व्यवहार करते हैं, वो सारी बातें हॉवर्ड गार्नर की मल्टीपल इंटेलिजेंस में आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर एक मैस्लो की थ्योरी आती है हायरार्की ऑफ नीड्स वाली। तो मैस्लो की जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, उसमें 5 तरह के पदानुक्रम की बात की गई है। एक ऑर्डर आपके पास निर्धारित किया गया है जिसमें मैस्लो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पहली जो थ्योरी है, मतलब पहला जो आपके पास पदानुक्रम है, पहला जो पड़ाव है, उसको पार करने के बाद ही आप दूसरे पर चले जाओगे। जब दूसरा पड़ाव कंप्लीट होगा फिर आप तीसरे पर जा सकते हो, तीसरे के बाद आप फोर्थ पर जा सकते हो। यानी कि वो कहते हैं कि ये जो एक पदानुक्रम उनके द्वारा जो निर्धारित किया है, आप उसको बीच में स्किप नहीं कर सकते। जैसे मैस्लो ने पहले पदानुक्रम की अगर मैं बात करूँ, ये हायरार्की नीचे से ऊपर की ओर आपकी जाती हैं। कभी भी आप देखना, मैंने एक कंप्लीट रिवीजन वाली थ्योरी करके, एक मैंने एजुकेशनल थ्योरी करके वीडियो मैंने डाले हैं, अगर आप उसको चैनल पर देख पाए सर्च करोगे तो पहली वीडियो शायद वही आपको रिकमेंड होगी, तो उसको देखना। उसमें मैंने इसको डिस्कस किया है और उसकी स्लाइड भी आपके बताई गई है। तो आपने देखना कि पहली जो हायरार्की है वो बायोलॉजिकल नीड्स के बारे में बात करती है, यानी कि आपके पास फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी जितनी भी होती है, चाहे आपके पास एयर हो, आपको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, आपको खाने के लिए फूड चाहिए, पीने के लिए आपको वाटर चाहिए, ये क्या है आपके पास बायोलॉजिकल नीड्स है। तो जब ये बायोलॉजिकल नीड्स आपकी पूरी होगी तभी आप दूसरे नीड पर चले जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही आप सोचो कि आपको जॉब मिलनी चाहिए, पहले ही आप सोचो कि आपको एक बड़ा घर होना चाहिए, आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। इन चीज़ों के बारे में आप कब सोच पाओगे, जब पहली तरह की हायरार्की आप जो है कंप्लीट कर पाओगे, फिर आप सेफ्टी नीड्स के ऊपर जा पाओगे। तो पहली हायरार्की जब कंप्लीट होगी फिर सेकंड पर जाओगे, फिर थर्ड पर जाओगे, फिर फोर्थ पर, और लास्ट में आपके पास फिफ्थ पर आपके जाओगे। यहाँ पे एक तो इनसे प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं कि अगर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपकी समस्या है, तो उसकी समस्या के समाधान के लिए किस हायरार्की के ऊपर आपको जाना होगा, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा, इनमें पूछा जा सकता है कि पहली हायरार्की के बाद सेकंड पर कौन सी आती है, थर्ड पर कौन सी आती है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि टॉप पर कौन सी है, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बॉटम में आपके पास कौन सी है, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। मैस्लो ने एक हायरार्की जो आपके बनाई है वो किस हिसाब से बनाई है, उसको आपको एक बार गो थ्रू करके जाना है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ मैस्लो के बाद, तो आपको SI मॉडल के क्वेश्चन आपके बनते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल से क्वेश्चन बनते हैं। ये गिलफोर्ड की एक थ्योरी हमें देखने को मिलती है, जिसको हम 3D मॉडल भी आपके कहते हैं, या 3D जो थ्योरी के नाम से उसको जाना जाता है। इसने आपके पास 3 तरह के जो है आयाम इसने क्रिएट किए थे, त्रिआयामी के अंदर, जो हम 3D के अंदर 3D। जब भी हम किसी भी एक इमेज को देखते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, उसकी 3 साइडें हमें देखने को मिलती है। तो 3 साइडें जब आप उसकी देख पाती हो तो उसको 3D मॉडल आपके कहा जाता है। उसमें 3 तरह के जो उसने आपके आपके जो बताए हैं कि आयाम जो होंगे वो 3 तरह के होंगे, कंटेंट, ऑपरेशन, प्रोडक्ट, ये 3 आयाम है। इसके अंदर भी आगे इसने एक्सप्लेन किया है, जैसे कि आपके पास कंटेंट के अंदर 5 पॉइंट है, ऑपरेशन के अंदर 5 पॉइंट है, इसके अलावा जो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर आपके 6 पॉइंट हैं। फिर जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रश्न आपके ऐसे पूछे जाते हैं कि आपके पास कितने तरह की जो है बुद्धि की बात करते हैं त्रिआयामी सिद्धांत के अंदर गिलफोर्ड, या गिलफोर्ड ने कितनी तरह की इंटेलिजेंस की बात की है। तो 150 भी आपके पास आंसर आता है, 180 भी आंसर आता है, कैसे आता है 120 भी आता है। ये चीज़ें आपको सीखनी है, कैसे इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, अलग अलग एस्पेक्ट आपके दिए गए, इसमें अमेंडमेंट आपके हुए हैं, और 150 को आंसर आपके दिया जाता है। कई बार आपके पास ऑप्शन 180 आता नहीं है तो फिर 150 को किया जाता है, कैसे किया जाता है ये आपको थोड़ा सा इसमें सीखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको सीखने वाली इसमें हैं, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान देना है। तो उसमें वीडियो के माध्यम से मैंने उसको कंप्लीट आपको करवाया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्रश्न आपके पास आइसिंग की जो थ्योरी है, पेन मॉडल जिसको आप कहते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके पास टीचिंग एग्जाम के अंदर बनते हैं। इसके अलावा जो है कुछ एक टेस्ट आपके रहते हैं, जैसे TAT टेस्ट आपके पास हो गया, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसके फुल फॉर्म आपके पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा आपके और क्या क्या बन सकते हैं, जो सिगमंड फ्रायड की एक थ्योरी है पर्सनलिटी से रिलेटेड, इड, ईगो,
सुपर ईगो, यहाँ से प्रश्न आपके पास जो टीचिंग एग्जाम के अंदर बनते हैं, इसमें कितनी तरह की अवस्थाओं की बात की गई है, चेतन मन है, अचेतन मन है, अर्धचेतन मन है, यानी कि कॉशियस अनकॉशियस सबकॉशियस माइंड के ऊपर आपके पास क्वेश्चन यहाँ से सीधे तौर पर आपसे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास ये भी बताया जाता है कि किस तरह से जो है व्यक्ति का जो मन है वो आपके पास दिमाग जो है वो किस तरह से आपके पास जो है एक बर्फ़ के टुकड़े के समान है, जिसका लगभग 90% भाग आपके पास पानी में डूबा है जबकि 10% भाग आपके पास पानी के ऊपर है। यानी कि कॉन्शियस माइंड सिर्फ 10% है और जबकि अनकॉन्शियस माइंड लगभग 90% आपके पास है। किस तरह से एक बर्फ़ के टुकड़े से उसकी तुलना की गई है, ऐसे प्रश्न यहाँ से निकल कर आते हैं। ये चीज़ आपको इद ईगो लिबिडो से क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलते हैं। यह आपने याद रखना कि प्लेजर प्रिंसिपल इसमें से कौन सा है सिगमंड फ्रायड की थ्योरी से, ये कॉमन क्वेश्चन आपके बनते हैं। ऐसे आप सिगमंड फ्रायड की थ्योरी को पढ़कर जाएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें सिगमंड फ्रायड को अगर हम छोड़ दें तो आपके पास और भी बहुत से प्रश्न आपके बनते हैं, जैसे कि आपके पास कुछ एक टर्म्स आपके साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो आपके पास कहाँ से हुई, साइकोलॉजी शब्द आपके पास किन दो शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, ऐसे प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द का पहली बार प्रयोग कहाँ किया गया, या साइकोलॉजी की पहली जो लेब है वो आपके पास कहाँ पर खोली गई, कब खोली गई, ये लिपजिंग में खोली गई। इसके अलावा आपके पास भारत में पहली लेब आपके पास कब देखने को मिलती है, कब इसको खोला गया, कहाँ पर खोला गया, कलकत्ता में इसको खोला गया। इसके अलावा जो है इन शब्दों के अतिरिक्त अगर हम देखें तो आपके पास IQ जो शब्द है उसको जो है किसने आपके पास ये कहा कि सामान्य बुद्धि लब्धि आपके पास कितनी से कितनी होनी चाहिए, जैसे टर्मन क्या कहते हैं, लगभग आपके पास 90 से लेकर 110 को जो है नॉर्मल IQ वाले व्यक्तियों के रूप में कंसीडर किया गया है। विशिष्ट कितने हो गए, मन बुद्धि कितने हो गए, ये वाला, ये जो IQ वर्ड है, इस IQ वर्ड की जो उत्पत्ति कहाँ से होती है, इस IQ वर्ड का पहली बार प्रयोग किसने किया, और इस IQ वर्ड के अंतर्गत जो हम फॉर्मूला देखते हैं इसमें हम क्या देखते हैं, MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, ये किसके द्वारा आपके दिया गया, ऐसे प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। या फॉर्मूला का फॉर्मेट तो ये वाला सही है, कई बार इस तरह का फॉर्मेट आपके पास इस तरह से भी लिखा जाता है MA/CA मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी बिल्कुल सही होगा। तो दोनों सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना होगा। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में यहाँ पर निरंतर आपके पूछे गए हैं और आगे भी पूछने के चांस है। इसके अलावा साइकोलॉजी के अंदर कुछ एक मेथड रहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जो कि अध्ययन का सबसे पुराना ओल्डेस्ट मेथड आपके माना जाता है। ऐसे प्रश्न, अध्ययन की सबसे पुरानी जो विधि आपके पास है इंट्रोस्पेक्शन अंतर्दर्शन विधि आपकी ये मानी जाती है, ये भी प्रश्न बन सकते हैं। ऑब्जर्वेशन आपके पास मेथड होता है, केस स्टडी आपकी होती है किससे रिलेटेड है, ये प्रश्न आपके बनते हैं। फेमस साइकोलॉजिस्ट की जो बुक्स है कौन कौन सी है, जैसे कि आपके पास किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने कौन सी बुक आपके लिखी, जैसे जॉन डेवी की आपके पास बहुत सी बुक्स आपके पास रहती हैं, उनकी स्टेटमेंट आपकी पूछी जा सकती है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखकर चलनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कितनी तरह के हो सकते हैं, वो आपके पास फिजिकल हो सकते हैं, मेंटली आपके पास हो सकते हैं, फिजिकली आपके पास हो सकते हैं, तो यहाँ पर इससे भी प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके ऊपर कौन कौन से प्रभाव आपके बनते हैं, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा लर्निंग डिसऑर्डर से तो निस्संदेह HP TET के अंदर तो बनता ही है, बाकी अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हो तो CTET के अंदर भी लर्निंग डिसऑर्डर से इसका थोड़ा सा लेवल अप बढ़ गया है। पहले सिंपल पूछा जाता है डिसलेक्सिया आपके पास किससे संबंधित है, डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है, ऐसे अब आपके थोड़ा सा इसमें लेवल आपके अब पूछा जाएगा अफेजिया किससे संबंधित है, अब बताएंगे आप अफेजिया किससे संबंधित है, या वर्बल डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है। अब डिसकैलकुलिया वैसे तो आपको पता है कि आपके मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, लेकिन वर्बल डिसकैलकुलिया तो आपके पास किस पर्टिकुलर से संबंधित है, ऐसे आगे जाकर प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने के चांस है। थोड़ा सा अब यहाँ पर पैटर्न बदल रहा है प्रश्न पूछने का, थ्योरीज वही है, थ्योरीज में परिवर्तन नहीं है, पैटर्न में आपके पास थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस आपके देखने को मिल रहा है। टीचिंग एग्जाम के अंदर यहाँ पर वेरिएशन आपके आ रहे हैं, क्वेश्चन पूछने के वेरिएशन देखने को मिल रहे हैं, पहले वाले क्वेश्चन थे वो लगभग ऑलमोस्ट आपके ख़त्म होने लग गए हैं, अब नए नए आपके यहाँ पर ये प्रश्न आपको लगेगा कि आप डायरेक्ट इसको लर्न कर लोगे, डायरेक्ट इसको पढ़ लोगे तो डायरेक्ट बनेंगे, ऐसा नहीं, आपको इसको डिटेल में समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा, उसके बाद आराम से आप अटेम्प्ट करोगे तो हर सेक्शन में 30 में से आराम से आप जो है 80 से लेकर 20 तक तो आराम से आप स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आपने बेहतर पेपर आपको दिख गया, एग्जामिनर ने पेपर आपके पास अच्छे से थोड़ा सा इजी आपके डाल दिया, तो लगभग 25 तक तो आराम से आप इसमें स्कोर कर लोगे अगर आप इन चीज़ों को पढ़कर जाते हो। इसके अलावा आप हेरिडिटी वाले क्वेश्चन देख सकते हैं, हेरिडिटी के ऊपर कौन कौन से इफेक्ट आपके पड़ते हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास जो है चाइल्ड सेंटर्ड और पेडागोजी है, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक टीचर सेंटर होते हैं, एक आपके पास चाइल्ड सेंटर। जब भी आप क्वेश्चन पढ़े तो आपको ये समझना पहले आवश्यक है कि टीचर सेंटर क्वेश्चन पूछा गया है या चाइल्ड सेंटर। अगर टीचर सेंटर पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, अगर चाइल्ड सेंटर पूछा गया है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है।
इसके अलावा और कैसे प्रश्न बन सकते हैं? प्रश्न आपके पास एक वीडियो मैंने आपको हाल ही में भी डाली है पिछले लास्ट वीक में, जिसमें मैंने ये वाले क्वेश्चन आपके कवर किए हैं कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म किसको कहा जाता है, मॉडर्न साइकोलॉजी के पिता आपके कौन है, कौन आपके इसके जनक रहते हैं, ये वाले थ्योरी वाले मैंने आपको इसको कवर किया है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा और आपको जो कमेंट सेक्शन है उसमें इसको पिन कर दूंगा, वहाँ पे इस चीज़ों को आप समझना कि यहाँ से कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये साइकोलॉजी के कुछ एक मोटे मोटे क्वेश्चन आप कर ले और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अगर आप विद ऑप्शन उसको सॉल्व करते हैं तो आराम से आपका साइकोलॉजी सेक्शन बहुत बेहतर से क्लियर आपके हो सकता है। बाकी कोई और भी गाइडेंस आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं 9817837916, ये नंबर मेरा रहेगा, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजी के TGT JVT आपके पास जो है नॉन मेडिकल मेडिकल सभी के लिए कॉमन नोट्स अवेलेबल है, नोट्स भी आप जो है क्वेरीज इस नंबर पर आप कर सकते हैं, सिंपल व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, कॉल अवेलेबल आपकी नहीं रहेगी। बाकी आप चाहे तो HPTET प्रिपरेशन या टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मेरे साथ बने रह सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट में लेकर आऊँगा वो मैं GK सेक्शन आपके साथ में जो है कवर करूँगा कि GK सेक्शन में क्या क्या प्रश्न बनेंगे, कहाँ से बनेंगे, किस टॉपिक से बनेंगे, कौन से ऐसे कॉमन टॉपिक है जहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न आए हैं और कैसे जो है इन टॉपिक पर फोकस करके मैंने पिछले 3 साल में लगभग 3500 प्लस स्टूडेंट का जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई करके दिया है, स्पेशली अगर आप HPTET से रिलेटेड हो। तो बाकी आगे आप मेरे साथ यहाँ पर चाहें तो बने रह सकते हैं। आप सभी से उम्मीद है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।